नमस्कार किसान साथियों, मैं विशाल कुमार रॉय आपका स्वागत करते हैं कृषि प्रधान यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आपको गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ पैदावार लेना है तो इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा पैसा खर्च करके ज्यादा से ज्यादा खाद देंगे तो आपको बम्फर पैदावार मिल जाएगा। तो आपका सवाल होगा कि क्या जरूरी है। किसान साथियों, इसके लिए आपको सही समय पर सही मात्रा में खाद देने की जरूरत है, तभी जाकर आपको बम्फर पैदावार मिल सकता है। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ पैदावार के लिए डीएपी की डोज, डीएपी में आखिर ऐसा क्या पाया जाता है जो हमारी गेहूं की पैदावार को बढ़ा सकता है, इन सारे टॉपिक पे बात करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको एक सटीक और वैज्ञानिक जानकारी मिल सकती है और आप अपने गेहूं से अधिक पैदावार ले सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डीएपी, डायमोनियम फॉस्फेट, इसमें किसान साथियों फॉस्फोरस 46% और नाइट्रोजन 18% पाया जाता है। डीएपी में उपस्थित ये फॉस्फोरस हमारे गेहूं की फसल के जड़ का विकास बहुत तेजी से करता है। यही जड़ जमीन में उपस्थित पोषक तत्व और जो आपने खाद दिया है उसको खींचकर पौधे में पहुंचाता है, जिससे पौधा का विकास बहुत तेजी से होता है और हमें पैदावार बम्फर मिल पाता है। इसी फॉस्फोरस के कारण जड़ों की संख्या काफी हो जाती है, जमीन को कस के पकड़ के रखता है, जिससे आपकी फसल गिरती नहीं है। अब समय आ गया है सबसे इम्पोर्टेंट बात करने का। किसान साथियों, गेहूं की फसल को अच्छे पैदावार के लिए प्रति एकड़ 24 से 25 केजी फास्फोरस का आवश्यकता होता है। इसकी पूर्ति आप 50 केजी डीएपी देकर कर सकते हैं। एसएसपी से भी किया जा सकता है, लेकिन इस टॉपिक पर किसी दूसरे दिन सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। अब इस डीएपी को आपको कब कब इस्तेमाल करना है ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो किसान साथियों, इस डीएपी की आधी मात्रा यानी कि 25 केजी प्रति एकड़ बुआई के समय और बाकी 25 केजी प्रति एकड़ पहली सिंचाई के साथ में 30 दिनों के अंदर दे देना है, तभी जाकर आपको बम्फर पैदावार मिल सकता है। लेकिन आपने अभी तक नहीं दिया है तो 40 दिन के अंदर तक दे सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, आप डीएपी देने में इससे ज्यादा लेट करेंगे तो सिर्फ आपकी पैसे की बर्बादी होगी, इससे आपके फसल में कोई फायदा देखने को नहीं मिलेगा। यह जानकारी आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। अच्छा लगा है तो दिल से सिर्फ लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद मैं गेहूं की बम्फर पैदावार के लिए यूरिया, पोटाश, जिंक, सल्फर पे वीडियो लाने वाला हूं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाली बेल घंटी को दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप ही के पास नोटिफिकेशन पहुँचे। चलिए किसान साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों।